गंगापुर सिटी में समाज सेवियों ने शुरू किया हेल्प कॉर्नर। ये समाज सेवा की अनूठी पहल है, इससे समाज के जरूरतमंद लोगों को राहत मिली। संयोजक कुहू स्कूल के संस्थापक हेमंत शर्मा ने बताया कि 6 दिसंबर प्रारंभ किए गए हेल्प कॉर्नर से आज तक करीब 2000 लोग लाभान्वित हो चुके हैं। शहर के सभी संग्रहण केंद्रों पर जनता को द्वारा प्रचुर मात्रा में कपड़े पहुंचाए जा रहे हैं। गंगापुर सिटी से प्रदीप बना की रिपोर्ट। पता नहीं क्या बात है, उसको भी फुटा नहीं काम भी आ गया, काम को आए पहनेंगे भी और कुछ समाज सेवियों ने मिलकर जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। यहाँ गंगापुर सिटी में कुछ समाज सेवियों ने मिलकर जरूरतमंद लोगों के लिए जो हमारे घरों में अनावश्यक कपड़े हैं, जो हमारी ज़रूरत के काम नहीं आ रहे हैं, ऐसे कपड़ों को हम जरूरतमंद लोगों को उन तक पहुँचाएँ, उसके लिए एक हेल्प कॉर्नर का गठन किया गया है और उसका शुभारंभ यहाँ 6 दिसंबर से गंगापुर शहर में किया गया है और उस दिन से आज तक 2000 से भी अधिक लोगों को हम लाभान्वित कर चुके हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसमें मिल रहा है। जन सहभागिता बहुत अच्छी संख्या में लोग हमें सहयोग कर रहे हैं और कई बार तो ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों ने यहाँ नए कपड़े भी हमें पहुँचाए हैं आम लोगों को जरूरत को देखते हुए। बहुत अच्छी इस शहर में ये पहल की गई है और समाज सेवियों का जो उत्साह है वो एक ऐसा देखने में आ रहा है जैसा पहले यहाँ कभी ऐसा देखने में नहीं आया। यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहा है, ख़ासतौर से जो युवा वर्ग है उसमें इस तरह के संस्कार बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिल रहे हैं कि वो समाज सेवा के लिए आगे से पहल कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये अनवरत रूप से चलता रहेगा, इसका कोई समय सीमा नहीं है। जब तक भी लोगों का सहयोग हमें मिलता रहेगा तो ये काम हम बदस्तूर चालू रखेंगे। इसके अलावा हमारी समिति के लोगों का ये विचार भी है कि न केवल कपड़े बल्कि हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे बर्तन भी हैं, जूते चप्पल भी हैं जो अच्छी स्थिति में हैं लेकिन वो हमारे काम नहीं आ रहे, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको भी यहाँ इस सेल्फ कॉर्नर के माध्यम से हम हर घर तक उनको पहुँचाएँ। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ के इंदिरा कारा संगीत विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह को लेकर कुलपति मांडवी सिंह ने अधिकारियों की बैठक ली। 23 दिसंबर को होने वाले इस कार्यक्रम का मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पद्मश्री तीजनबाई, जेसीसी भारती शेखर सेन, उस्ताद अमजद अली खां व प्रदीप कुमार को डीलिट की उपाधि प्रदान करेंगे। वहीं नवनिर्मित संग्रहालय भवन का भी उद्घाटन करेंगे। 30 PhD, 1 गोल्ड मेडल और 1300 डिग्रियां दिए जाएंगे। बीरज नारायण साहू की रिपोर्ट। उस्ताद अमजद अली खान साहब सुप्रसिद्ध सर्ववादक हैं, पद्म विभूषण हैं और पद्मश्री श्री शेखर सेन जी, पद्म भूषण श्रीमती किजन बाई जी और उत्तर प्रदेश के बरेली के सदर कोतवाली इलाके में हफ्ता भर पहले हुई बड़ी चोरी के आज तक खुलासा न होने के खिलाफ व्यापारी आशुतोष अग्रवाल ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस को CCTV फुटेज सौंपे जाने के बावजूद पुलिस कोई सरगर्मी नहीं दिखा रही। सौरभ गोयल ने कहा कि अगर जल्दी ही पुलिस ने मामला नहीं खोला तो आंदोलन किया जाएगा। बरेली से मोनू पांडे की रिपोर्ट। मैं पुलिस को फुटेज पूरी दे चुका हूँ, पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई। पुलिस सिर्फ आज तक शक के आधार पर पुलिस ने किसी को नहीं उठाया। हम पुलिस से बराबर फॉलोअप ले रहे हैं, पुलिस कह रही है आज कर रहे हैं कल कर रहे हैं, अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इतने पॉश एरिए में सुबह 7:30 बजे का कांड हो रहा है, खुले में आधे घंटे तक, तो क्या सॉल्यूशन है? काय की पुलिस का ये मेन सिविल लाइंस बरेली शहर है, सिविल लाइंस एसआई मल के पड़ोस में हमारा शोरूम खुला है इन्फ्यूजन के नाम से, वहाँ पर घटना हुई है।